दवाई कारगर नहीं है तो फिर क्या है इंतजाम? देखिए, कोरोना एक बीमारी जो है ये आपदा है और इस पर अभी बहुत सारी रिसर्च जो है सो होनी है। अभी तक कोई दवा फुल प्रूफ जो है सो है नहीं कि रेमडेसिविर कोई ले लेंगे तो उनको कोरोना से बच जाए। ये देखा गया है कि रेमडेसिविर अति गंभीर मरीजों में देने के बाद उनको थोड़ी राहत मिलती है, न कि कोरोना रेमडेसिविर को ख़त्म कर देता है, ठीक है। और रेमडेसिविर की कमी बिहार में है, और सबसे बड़ी बात है बिहार की जनता जो है सो सरकार से कम दोषी नहीं है, क्योंकि जिनके घर में रेमडेसिविर का अभी ज़रूरत भी नहीं है वो भी रेमडेसिविर खरीद कर रखे हुए हैं। तो कालाबाजारी ऑक्सीजन की कमी के कारण भी जो है सो बहुत लोग जिनके घर में अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं है पहले से 2-3 सिलेंडर खरीद के घर में रखे हुए हैं। तो इस सारे का इस कारण बहुत शॉर्टेज हो गया है। अब तो आम आदमी को, हम लोगों को जनरल काम जो है सो कोविड के अलावा ऑक्सीजन सप्लाई बिहार में नहीं हो रहा। हम लोग को ऑपरेशन करने में परेशानी हो रही है, बहुत सा ऑपरेशन टाला जा रहा है, क्योंकि सारा ऑक्सीजन जो भी फुलफिल करना है वो पहले कोविड वार्ड हॉस्पिटल को किया जा रहा है, जनरल हॉस्पिटल को जो है सो ऑक्सीजन मिल रही है। इसके कारण जो भी बाकी बीमारियां हैं उनके इलाज में बाधा आना शुरू हो गया। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो पहले कोरोना पेशेंट को की जा रही है और इसकी वजह से जो बाकी बीमारियां जो सीरियस होंगी, जो ऑपरेशन की बात आप कह रहे हैं, उनको टालना पड़ रहा है। ये जरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो बात आपने कही कि लोग भी दोषी कम नहीं है कि भाई दवाई की ज़रूरत नहीं है लेकिन खरीद के रख लिया, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं लेकिन खरीद के रख लिया, इसके पीछे वो डर है क्या जो बिहार के पब्लिक हेल्थ सेक्टर में देखने को मिल रहा है कि भाई NMCH में भर्ती नहीं हो रही है, PMCH में भर्ती नहीं हो रही है, लोग घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं, तो ये डर भी उसके पीछे है क्या ऐसा करने के? हाँ, ये डर भी है उसके लिए जिम्मेवार है। ये डर भी उसके लिए जिम्मेवार है कि लोग भयभीत हैं, लोग जो है सो मैंने इतना भयभीत है कि लोग चाह रहे हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित कर लें। इसके कारण जो है सो पहले से दवा, पहले से ऑक्सीजन की व्यवस्था जिनको नहीं ज़रूरत है वो करने लगे हैं। अच्छा, एक चीज़ जरा मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, वैसे तो देश भर के दर्शक हमें देखते हैं द लल्लन टॉक को, लेकिन खास करके बिहार के लोग, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि भाई ऑक्सीजन ना खरीदें ज़रूरत नहीं है तो, दवाई ना खरीदें अगर ज़रूरत नहीं है तो, दूसरों के लिए रहने दें, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि गांव देहात, बिहार पटना से बाहर है, बहुत बड़ा बिहार पटना से बाहर है, गांव देहात के लोग क्या करें, क्या प्रिकॉशन रखें? अगर किसी के यहाँ कुछ ऐसे सिम्टम दिखते भी हैं और मान लीजिए कि कोरोना पॉजिटिव भी हो जाते हैं, जैसा कि सरकारी रिपोर्ट है कि बड़ी संख्या में लोग बिहार में होम आइसोलेशन में हैं, क्या उपाय करें वो, डरें ना, घबराएं ना, चीज़ों की कालाबाजारी ना हो, तो आप क्या सजेस्ट करें लोग उपाय क्या करें अपने बचाव के लिए? जो भी लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए सबसे कारगर जो पद्धति है वो साधारण सादा पानी का भाप 15 बार नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, 15 बार मुंह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, इससे कारगर कोई दवा नहीं है। मैं कोविड मरीजों का जो है सो को मिलने जाता हूं, उनको देखने जाता हूं, और मैं सुबह शाम मैं भी भाप ले रहा हूं। दिन में कितनी बार करें ये? दो बार दो बार दो बार